रियान भाई ने मोबाइल लिया है सैमसंग A30 और ये अभी उसी से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो घर जाके हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग होगी, हम दोबारा पैक करके इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, इस व्लॉग को करते हैं शुरू। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और मेरे एक कज़न आए हुए हैं जो उस तरफ बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपने लिए एक मोबाइल ख़रीदना है, तो हम लोग बाहर जाएंगे मार्केट में उनके लिए मोबाइल लेना है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज पूरा दिन हो गया है मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सुबह बैठा था तकरीबन 10 बजे और शाम को 6 या 7 बजे मैं उठाऊँ, 6 बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक भी थी, तो तकरीबन 7 घंटे मैं बैठ के एडिटिंग करता रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ के 7 घंटे बैठा रहा हूँ। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में होगा, तो वो वीडियो भी लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कज़न आ जाए, मैं उसे बुलाता हूँ, तो फिर हम जाएंगे इनके लिए मोबाइल ख़रीदने। और पिंडी में जो वैसे मोबाइल लेने के लिए तो काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अगर किसी का मोबाइल लेना हो तो दुबई प्लाज़ा से ही लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दुबई प्लाज़ा, और इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे घर के करीब भी है, तो जाते हैं दुबई प्लाज़ा और फिर लेंगे फोन। पहले मैं आपको अपने कजन से मिलवा लेता हूँ। ये मेरा कजन शर्मा गया। तो ये कजन भाग रहे हैं मेरे, ये देख सकते हैं आप। ध्यान भाई प्लीज आप मेरे व्लॉग में आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा है ये सॉरी ट्यूबलाइट ऑन है, तो पता नहीं क्यों इसकी शुआएं आ रही हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे दुबई प्लाजा, और इस व्लॉग को मैं कोई एडिट नहीं करूँगा ज़्यादा, इसी तरह रखूँगा, और वो व्लॉग में आई नहीं है तो अब क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग जाते हैं दुबई प्लाजा। नहीं, पीके चेंज नहीं हुआ, पीके उसी के साथ है, पीके चेंज तो नहीं हुआ। ये है मेरा R1, ये मेरा सुपर बाइक स्टार्ट होता है। जान भैया पोड़ा ये मोबाइल उड़ा क्या ला पक्की गल दी दुबई प्लाजा पहुंच गए, पार्किंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो पार्किंग है ना। ये हम दुबई प्लाजा में पहुँच गए, करीब करके बात करनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है ना, तो आवाज़ आती नहीं है ठीक से। रियान भाई आप बताएं किस रेंज तक आपने मोबाइल लेना है? मैंने लेना है 35 to 40,000। 35 to 40,000 की रेंज में, अमीर बंदा है कोई ध्यान भाई, कोई हमें भी लेके दे दें कोई 5-6 हज़ार वाला। तो अब हम जाते हैं दुकान पे और रेट पता करते हैं। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। ये है A30। क्या रियान भाई इसका कैमरा तो अच्छा है ना? ये आप पकड़े थोड़ी देर, पहले बाहर बैग कर लेते हैं। बैग तो ये मोबाइल है जो हम ले रहे हैं, ठीक हो गया बस सही है। रियान भाई मोबाइल ले रहे हैं सैमसंग A30, तो फिर देखते हैं किस तरह का, अभी ये इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर रहे हैं। रियान भाई आपको कैसा लग रहा है ये मोबाइल? है मोबाइल अच्छा है, इस कैमरे में देख के बोलना, मोबाइल की तरह देख, यहाँ पे इस वाले डॉट में देख बोल रहे रियान भाई। गेन इस कर रहा तो सही मड़े, पूरा ब्लॉग चल रहा। असल में मसला ये है कि रियान भाई मेरे नहीं चाह रहे थे कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन व्लॉग बनाना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब इस तरह किसी पब्लिक प्लेस पे पहले व्लॉग बनाना होता था तो मैं शर्मा जाता था कि यार लोग देख रहे हैं ये है वो है, अब तो कोई शर्म गैरत नहीं रही। तो रियान भाई सोच रहे हैं कि ये पागल हो गया है, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि पब्लिक प्लेस में नहीं शर्म आती। बोल रहा
अब बोलने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। रियान भाई के चेहरे से खुशी टपक रही है और अभी ये अपने फ़ोन पे ग्लॉस प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने दुबई प्लाजा से मोबाइल लेना है और सेकेंड हैंड में लेना है ना, तो ये ऊपर नज़र आ रहा है हुसैन कम्युनिकेशन, इसका आप इनके मैं कार्ड की तस्वीर लगा लूँगा, तो आप यहाँ से मोबाइल लें क्योंकि यहाँ पर तकरीबन बाकी तमाम दुकानों से मुनासिब पैसों में मोबाइल मिल जाता है। रियान भाई ने मोबाइल ले लिया है और मोबाइल लिया है सैमसंग गैलेक्सी एस नहीं है, तो ये अभी उसी से वीडियो बन रही है और रियान भाई बहुत ज़्यादा खुश है और अभी ये ट्रीट दे रहे हैं। ट्रीट में ये सिर्फ एक मिल्क शेक दिलाएंगे। रियान भाई एक इतना मेगा फ़ोन लेके आप सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, ये बिज़ी बंदा है, ये सिर्फ एक मिल्क शेक पिलाएंगे ट्रीट में, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम चेंज हो गया तो अब रियान भाई ने दो डिनर मंगवाए और ये ट्रीट दे रहे हैं। रियान भाई लो की बोला ना, बोला इसमें हम लोग कितने प्यारे आ रहे हैं, तो बहुत प्यारे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो जी हम वापस घर आ गए मोबाइल लेके रियान भाई का, तो आई एम सॉरी कि मैंने रियान भाई को इतना तंग किया, मैं व्लॉग में ही माजरत कर रहा हूँ। वो भाग रहे थे यार, प्लीज़ आहिस्ता करें मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो भाग रहे थे, वीडियो में नहीं आना चाहते थे मैं, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती वीडियो में लेके आया और ये अभी रियान भाई के मोबाइल में वीडियो बन रही है और फर्क तो आपको लग ही रहा होगा, मैं इतना चिट्टा गोरा नज़र आ रहा हूँ इस कैमरे में, तो इसका कैमरा बहुत अच्छा है। अभी मैं इसे दोबारा डब्बे में डालूंगा और फिर इसे इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, पहले से खुला हुआ था, अभी इसे दोबारा डब्बे में डालेंगे और निकाल के तो आपको इस तरह शो करवाना है कि अभी ये दोबारा पहली दफ़ा डब्बे से निकल रहा है। और आपको मैं एक और बात, प्लीज़ चुप करें ना यार, अब मैं आपको इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और पहले तो मैं आपको अपना अनबॉक्सिंग टेबल दिखा देता हूँ, ये देखें। अब मेरे पास वाइट टेबल तो नहीं था, लेकिन ये इस नॉर्मल टेबल के ऊपर मैंने वाइट पेपर्स रखे हैं, चार पेपर्स आया किए अनबॉक्सिंग के लिए, और ये ट्रिक मैंने द लेजेंड MS के व्लॉग से सीखी थी। सो ये है हमारा अनबॉक्सिंग टाइम और ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A30 का बॉक्स और आप ये देख सकते हैं इसकी मोर भी लगी है, ये PTA अप्रूव्ड है। अगर हम ये नया मोबाइल लेते तो इसकी कीमत होती 38,000 रुपये, लेकिन हमने सेकेंड हैंड लिया है, तकरीबन 10 या 15 दिन तक ये चला हुआ है और इसकी कीमत हमें मिली है 34,500 रुपये, तो काफ़ी मुनासिब हमें मिला है। और ये नया लेना चाह रहे थे लेकिन मैंने फोर्स किया कि आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल लें, क्योंकि सेकेंड हैंड मोबाइल में इसकी गारंटी भी पूरी होगी और कोई इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें उल्टा आपका फ़ायदा ही है, इसलिए हमें हमेशा सेकेंड हैंड मोबाइल लेना चाहिए जो थोड़ा अर्सा चला हो उसकी वारंटी हो। और ये हमारा मोबाइल, तो इसको पैक मैंने खुद किया है इसलिए ये काफ़ी अनप्रोफेशनल है, तो ये इसका हैंड्स फ्री है, मोबाइल में आपको आखिर में दिखाता हूँ, ये इसका हैंड्स फ्री है, इसके साथ हमें ये कवर इसका फ्री में मिला है, ये बॉक्स है और इसका चार्जर भी है लेकिन वो एक्सटेंशन के साथ लगा हुआ है साइड पे, तो वो मैंने बॉक्स में नहीं डाला था। और ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी A30 और आपको मैं इसकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, पहले इसे इस कवर से निकाल देते हैं और ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी A30। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही प्यारी और शाइन वाली बैक है, एक किस्म का ग्रेडियंट है इसकी बैक पे, इसके दो कैमराज हैं, इसकी बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसकी आप डिस्प्ले देख सकते हैं, फुल HD इसकी डिस्प्ले है और इसका कैमरा थोड़ा बहुत मैं अगर आपको दिखा सकूँ, चलें है इसका कैमरा इस तरह तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, इस मोबाइल से भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग के पार्ट्स शूट किए हैं, तो जो जो पार्ट मैंने इस व्लॉग का इस मोबाइल से शूट किया होगा उसके ऊपर मैं लिख लूँगा कि शॉट विद दिस मोबाइल। तो ये थी इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग और कंग्रेचुलेशंस रियान भाई, आपके पास एक बहुत ही अच्छा सेट आ चुका है और पुराना मोबाइल भी अच्छा था लेकिन इन्हें एक नया मोबाइल चाहिए था तो इन्होंने ये नया बाय कर लिया है। और ये था आज का व्लॉग, तो यार ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, अब मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग अच्छा बना है या
अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया है। और अगर अच्छा ना भी बनाओ तो प्लीज़ आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर व्लॉग में मैं मेहनत करता हूँ इतनी कि मैं ये कोशिश होती है मेरी कि हर व्लॉग पिछले व्लॉग से अच्छा हो, उसमें कोई नई चीज़ हो। ये मैं एक थोड़ा रेंडम सा डेली व्लॉग टाइप बना के देख रहा था और ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये लोगों को पसंद आया तो मैं इस तरह के और भी व्लॉग्स बनाऊंगा, अगर पसंद ना आया तो मैं इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा। इसके साथ एक और बहुत ही अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।